सबसे अनोखा सीन। माल को माल गाड़ी में लेके लेकर जा रही हूँ वापस घर। माल एक गाड़ी में बंद हो गया था तो अपने माल को निकाल गया। अपने प्रीतम प्यारे को ठेले पर सवार करके आरती ना जाने कहाँ ले जा रही है। पहले मुझे स्लिपर्स थे, ऊपर से मुझे वो पुली खींचना पड़ रहा है, ऊपर से उन्हें एनर्जी है तो मतलब मेरी तो गांठ लगी हुई है। थैंक गॉड ठेले पे लेके आया, अच्छा हुआ सीट की नहीं लेके आई। पीने की सदा पर शोहर को प्यार भी खूब आ रहा है। देखिए आदमी ने ठेले को झटके से क्या पटका तो भी मुस्कुरा रहे हैं यश बाबू। आके मैडम वजन उठाने वाले ठेले पर आपने यश को लिखाया है तो ये भी बता दीजिए कितने किलो की है आपकी सैया जी। मुझसे थोड़ा ज्यादा मुझे थोड़ा ज्यादा है पता ही नो आइडिया होंगी वो 70 की थी। खैर सीन की मस्ती तो आपने देख ली, अब जरा असली सीन तो देख लीजिए। फंस जाती है, ऑटोमेटिक कार है तो वो ऑटो लॉक हो जाता है, वो उनसे खुलता नहीं है। ड्यू टू समथिंग यू नो गाड़ी का शीशा नहीं खुल रहा है, गाड़ी का दरवाजा नहीं खुल रहा है तो इट गेट्स लॉक्ड और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मुझे पता लगता है कि वो मिल नहीं रहे हैं और बारिश बहुत हो रही है। सो मैं निकल चुका हूं ढूंढने के लिए, जब मुझे उनकी गाड़ी दिखती है और फिर मैं फाइनली उन्हें निकालता हूं। ये आरती का प्यार ही तो है जो अपनी जान की परवाह किए बिना वो यश की जान बचा रही है। आरती को तो प्यार हो गया है, इनफैक्ट अभी वो दमखस कर भी देगी कि उसको प्यार हो गया है। उसके आगे जब यश जी को होश आएगा तो वो मुझे थप्पड़ अपड़ ना मारते, बस तो उस बात का डर है। पता नहीं यश थप्पड़ मारेगा कि नहीं, ये तो नहीं मुझे लगता नहीं थप्पड़ मारेगा यश, लेकिन ये है कि कुछ तो करेगा वो। प्यार से नहीं डर लगता, थप्पड़ से डर लगता। हम तो यही दुआ करेंगे कि सीरियल में यश और आरती का रिश्ता ऐसा ही हो जाए जैसा बिहाइंड द सीन है। आज तक ब्यूरो।